Good afternoon, everyone. I hope I'm audible and visible to all of you. जी, आवाज आ रही है एवरीवन? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून. चलिए, तो टुडे वी हैव टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. वो एसए में भी मैंने आपको बताया बहुत लाइक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जीएस पेपर 2 में भी, 3 में भी. एंड वी वर डिस्कसिंग द टॉपिक ऑफ वुमेनॉमिक्स, हमें वो डिस्कस करना है. पर उससे पहले मैंने आपको कल कुछ होमवर्क दिया था. बिफोर वी कम टू दैट टॉपिक, आई टॉक लाइक इंडियन वुमेन इश्यूज के लिए मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था. आई आस्क्ड यू लाइक व्हाट आर द चैलेंजेस. देखें कितने लोग होमवर्क कर गए हैं. व्हाट आर द चैलेंजेस वुमेन फेस इन इकोनॉमिक मैटर्स. इकोनॉमिक मैटर्स मतलब इंडिया में अगर उन्हें जॉब वगैरह करनी होती है तो क्या क्या इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं. एंड सिमिलरली व्हाट आर द चैलेंजेस वुमेन फेस इन सोसाइटी आपको जो है. तो क्विकली पहले आप मेरे को ये बताओ, आज अगर इंडियन वुमेन जॉब करने जाती है तो आपको क्या लगता है क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, राइट? तो यू कैन टेल मी इन द चैट कॉलम. ये मैंने आपको कल काम करने के लिए बोला था. लेट्स सी कितनों ने किया है, कितनों ने नहीं किया है. लेट्स सी, आई विल रीड इट. अच्छा, somebody is asking, Yaseen is asking कि सर प्लीज़ टेल हाउ टू बैलेंस कॉलेज टाइम एंड प्रिपरेशन. Yaseen, आई टेल, आज टॉपिक डिस्कस कर लें उसके बाद मैं आपको बता दूंगा. आज पहले टॉपिक पे फिक्स रहते हैं, काफ़ी दिनों से हमने कोई टॉपिक डिटेल में नहीं किया है. अच्छा, ये परमीत ने बहुत अच्छा एक पॉइंट दिया है. एक तो ये है कि भाई जब वो वुमेन काम करने जाती है, सी आपको पता है पेट्रायकल देश कौन से होते हैं जिसमें मेल्स को प्रेफरेंस दी जाती है फीमेल से ज़्यादा, राइट? और ऐसे देश में जब फीमेल काम करने जाती है तो उसे क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? एक तो है हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस. वेरी गुड. सी ये क्या होता है, लड़की काम करने गई है तो सेक्सिस जोक्स कर देना उसके साथ, लाइक गलत वे से उसे टच कर देना. अच्छा, बिना लेट से जान पूछ के उसे लेट आवर्स तक काम करवाना, परेशान करना. ज़रूरी नहीं है कि आपकी इंटेंशन गलत है, पर इंडिया के अंदर ना ये चीज़ें हो गई हैं. अ गर्ल इज़ वेयरिंग फॉर्मल, शी इज़ वॉकिंग, शी इज़ देयर, तो जान पूछ के उसको देखते रहना, स्टॉकिंग करना, ये तो ये वाली चीज़ें जो हैं वो ऑफिसेज में भी बहुत होती हैं. बिकॉज गर्ल्स आर फॉर्मली ड्रेस्ड, तो उन्हें लाइक एक तरीके से वो जैसे मूवीज़ के अंदर दिखाते हैं ना, तो लड़की का काम सी, बहुत सारी लड़कियां तो ऐसी हैं या फीमेल्स ऐसी हैं जो अपने जगह पर काम ही नहीं कर पाती हैं क्योंकि माहौल ठीक नहीं हो. इसलिए नहीं कि उसमें टैलेंट नहीं है, इसलिए नहीं उसे काम नहीं आता, बल्कि वहां के लोग उसे उल्टा सीधा बोलते हैं या माहौल खराब. सी गांव में अगर आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे हमारे यहाँ एरियाज हैं जहां पर फीमेल को लोग इसलिए काम नहीं करना देते क्योंकि उन्हें लगता है कि लोग खराब हैं, तो लोगों की वजह से वो बेचारी काम नहीं कर पाती है. वेरी गुड पॉइंट. एनी अदर, और भी देखते हैं. देखो, फिजिकल अब्यूज तो मतलब होता है पर इतना नहीं होता है. जॉब के अंदर हम बात कर रहे हैं, और क्या प्रॉब्लम होता है पोस्ट वुमन? हाँ, अब देखिए एक और चीज है, फीमेल को बहुत इमोशनल माना जाता है. ऐसा माना जाता है कि फीमेल जो है वो इमोशन पे डिसीजन लेती है, लॉजिक पे नहीं लेती, तो उसे बड़ी पोस्ट नहीं देते. लाइक restriction to lower post. इसको हम कहते हैं ग्लास सीलिंग. वेरी गुड. सी ये सब मेंस में क्वेश्चन आए हुए हैं, आप जो बता रहे हैं. ग्लास सीलिंग, सीलिंग मतलब रूफ. तो एक अदृश्य शीशे की दीवार है. हमें लगता है कि लड़कियों को बड़ी पोस्ट नहीं देनी चाहिए. सी बल्कि दिस हैपन्स विद फीमेल आईपीएस ऑफिसर्स ऑल्सो. दिस हैपन्ड विद किरण बेदी मैम ऑल्सो. किरण बेदी द फर्स्ट फीमेल आईपीएस ऑफिसर, उनके साथ भी आप देखें, शी वॉज नॉट मेड कमिश्नर ऑफ दिल्ली, जबकि वो सीनियर थी, और उनके जूनियर को कमिश्नर ऑफ दिल्ली बना दिया था एंड शी रिजाइंड.
शी डिड नॉट कम्प्लीट हर सर्विसेज, उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया। तो आप देखिए, ऐसा माना जाता है कि लड़कियों को बड़ी पोस्ट नहीं देनी, तो एक ये प्रॉब्लम हो जाती है। और कुछ? हाँ, आधे तो मूवीज को देख के। एनीथिंग एल्स? कोई और अच्छा पॉइंट बताओ। एग्जैक्टली, सी निखिल ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया, आई लाइक दैट। सी द पॉइंट इज कि ड्यूअल बर्डन ऑफ मैनेजिंग होम एंड वर्क। देखो इंडिया के अंदर क्या है ना कि लड़कियों को ही, सी जब तक आप अनमैरिड हो इट्स फाइन, बट द मोमेंट यू गेट मैरिड तो आपको घर पे बच्चों का ध्यान, हस्बैंड का ध्यान, इन लॉज का ध्यान भी रखना है, साथ में जॉब भी करनी, तो वो दोनों चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती है। योर हस्बैंड विल नॉट टेक ब्रेक फ्रॉम हिज जॉब अगर बच्चे के स्कूल में कुछ है, आपको चाहिए होगी, इतनी छुट्टियाँ कोई आपको देगा नहीं। घर में कोई गेस्ट आ गए तो हस्बैंड का ज़रूरी नहीं है घर में होना, पर आपको जाना पड़ेगा। तो वो जॉब से बार बार छुट्टियाँ लेती है, और जॉब जॉब वाले थोड़ी ना इस चीज़ को अलाउ करेंगे। सी अगर आप हर दूसरे तीसरे दिन छुट्टी ले रहे हैं तो ऑब्वियसली दे विल नॉट अलाउ। दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट। सी इसके अलावा आप देखिए पे डिस्पैरिटी। मेन आर पेड इंडिया का अगर मैं आपको बताऊं, अकॉर्डिंग टू PLFS आगे कराऊंगा, अकॉर्डिंग टू PLFS 2018-19 मेन आर मेड 1.7 to 1.8 times that of women for same job. See, एक बार प्रियंका चोपड़ा ने भी कहा था कि जो एक्टर्स को पेमेंट मिलती है यंग एक्टर्स को, वो सीनियर एक्ट्रेसेस को भी नहीं मिलती है उतनी। कि मैं सीनियर एक्ट्रेस हूं, मेरे को कम पैसे मिलते हैं कंपेयर टू कोई यंग अगर हीरो आया है या एक्टर आया है, वो इंडिया में हर जगह है। पे डिस्पैरिटी। और कुछ हो सकता है? सर शादी करने की एज हो गई है तो पढ़ाई रुकवा देते हैं। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। सी जॉब छुड़वा देते हैं अगर आपकी शादी हो रही है, और लेट्स से आपके हस्बैंड कहीं और काम करते हैं, आपकी जॉब छुड़वा देंगे। आपकी ट्रांसफर हो गई तो आपकी जॉब छुड़वा देंगे, हस्बैंड की ट्रांसफर हो गई तो आपकी जॉब, घर सी यू गेट प्रेग्नेंट तो आपकी जॉब छुड़वा देंगे, वो जॉब वाला ही निकाल देता है। अच्छा, जॉब वाले भी बड़े कलाकार हैं आप देखिए। सी जैसे ही उसे पता चलता है आपकी शादी हुई है, वो पहले पूछ लेता है कि बच्चा है नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि द मोमेंट चाइल्ड विल कम इन टू प्ले, फैमिली ने कुछ नहीं करना, सब आपको ही करना है। तो ये मेन ये इश्यूज हो जाते हैं। एंड सी अगेन, लास्ट वी कैन से कि जेंडर सेंसिटिव या फ्रेंडली, जेंडर फ्रेंडली सर्विस कंडीशंस। सी इसका क्या मतलब है? क्या फ्लेक्सिबल आवर्स होते हैं? क्या मैटरनिटी लीव मिलती है? क्या घर में कोई फंक्शन आ जाए उसके लिए? क्योंकि अगर ये सारी चीजें नहीं होगी तो फीमेल काम नहीं कर पाएगी, तो ये बहुत ज्यादा एक इशू हो जाता है। अच्छा चलो, इतने काफी हैं। सोसाइटी में क्या क्या चैलेंजेस होते हैं? सी सोसाइटी के अंदर एक पेट्रियार्कल देश में क्या क्या चैलेंजेस होते हैं? सी ये तो ऐसे उससे के बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं, यू शुड। सो जॉब पे जाने पे, हाँ स्टिग्मा है, लड़कियों को जॉब नहीं करने देते, स्टिग्मा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सोसाइटी में क्या है? बेबीज की सारी जिम्मेदारी मम्मी पर, हाँ वो तो है ही। सोसाइटी, समाज में क्या क्या प्रॉब्लम होती है? घरों में क्या दिक्कत होती है? सी पहली चीज तो लेस रिसोर्सेस फॉर वुमेन। सी घर वाले लेस इन्वेस्टमेंट्स, घर वाले ज्यादा इन्वेस्ट ही नहीं करते लड़कियों पे। क्यों? पराया धन, लड़कियां पराया धन है तो इस पे पैसे क्यों लगाने, पढ़ाते ही नहीं है। और देखो उन्हें ऐसा लगता है कि ज्यादा पढ़ा देंगे तो शादी नहीं होगी, और ज्यादा पढ़ाने से अच्छा है जितने पैसे इसके MBA वगैरह पे डालने हैं वो वाले पैसे हम डाउरी में दे देंगे। तो लड़कियों को आप देखिए उतने रिसोर्सेज या उतनी इन्वेस्टमेंट्स नहीं मिलती जितनी सन्स को मिलती है, क्योंकि लड़की तो पराया धन माना जाता है, राइट? तो एक तो लेस रिसोर्सेज होते हैं, सेकेंड आप देखिए क्योंकि लड़की सेकेंडरी जेंडर है इसके साथ वॉयलेंस होता है, वॉयलेंस अगेंस्ट वुमन।
क्योंकि हमारा पुरुष प्रधान देश है, वॉयलेंस अगेंस्ट वुमेन, कैसे, डोमेस्टिक वॉयलेंस, मेंटल टॉर्चर, आप देखिए, क्योंकि इंडिया में क्या होता है ना, लेट्स से परिवार के अंदर अगर डोमेस्टिक वॉयलेंस, इंडिया में सबसे ज्यादा केसेस डोमेस्टिक वॉयलेंस के होते हैं, यू शुड नो. सी, अब क्या होता है ना, लेट्स से घर के अंदर इफ देर इज डोमेस्टिक वॉयलेंस, राइट, एंड शी फाइल्स अ कंप्लेंट, वो बेचारी हिम्मत करके कंप्लेंट करती भी है, तो पुलिस से लेके सबसे लेके उसे क्या बोला जाता है कि क्या करोगे, अब लेट्स से शादी हो गई है, छोड़ के क्या करोगे, समाज में लोग ये बोलेंगे उसको, बल्कि वही चीज को एंड्योर करने के लिए बोला जाता है कि कोई बात नहीं, वॉयलेंस ही तो, कोई बात नहीं, हस्बैंड ही तो है. उस बिचारी का आप देखो कितना टॉर्चर है, शी हैज़ बीन बीटन, मेंटली हैरेस, लेकिन फिर भी उसी इंसान के साथ रहना पड़ता है, जिससे उसकी लड़ाइयाँ होती हैं. कंप्लेंट भी करी थी उसने, लेकिन आसपास के प्रेशर की वजह से उसके बाद बोल देते हैं बच्चे हो गए तो बच्चों के लिए भाई रुक जाओ. सी, इवन देयर इज अ केस ऑफ दैट विल टॉक अबाउट, मैरिटल रेप. इंडिया में आपको पता होना चाहिए रेप क्या होता है, अगर एक लड़की की इच्छा के विरुद्ध सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है वो रेप है. पर कमाल की बात है, अगर वो मैरिड है तो अगर हस्बैंड बिना परमिशन के सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं वो रेप नहीं काउंट होता इंडिया के अंदर. सी, इफ somebody इज अनमैरिड और वो किसी भी एज की है और लेट्स से उसके साथ कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करे वो उसकी इच्छा के विरुद्ध, वो रेप है. पर अगर शादी हो गई तो ऐसा माना जाता है कि अब तो इसने हाँ ही कर दिया बिना पूछे. आप देखिए मैरिटल रेप के केसेस इंडिया में इतने ज्यादा हैं, इस पे भी हम अलग से डिस्कस करेंगे. समाज में ये वाली एक इशू, सी वही. उसके बाद हाउस होल्ड वर्क, कि घर पे सबका ध्यान इसे ही रखना है, हाउस होल्ड वर्क, लाइक एल्डरली केयर, सी बुजुर्गों को, इन लॉज हो चाहे पेरेंट्स, उन सबका ध्यान देना है. तो ये सारे चैलेंजेस होते हैं जो एक फीमेल को फेस करने पड़ते हैं. राइट, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है सबको? यस, जेनरिक पॉइंट्स हैं. विल सी जापान ने क्या किया और इंडिया क्या क्या सीख सकता है, विल सी दैट. इसके बाद हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो होमवर्क दिया था मैंने आपको करने के लिए. यहां तक क्लियर है सबको? यस, चैट कॉलम. यस, तो लेट्स सी वुमेनोमिक्स. सी, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे क्वेश्चंस आ सकते हैं. वुमेनोमिक्स, सो हम देखेंगे व्हाट इज वुमेनोमिक्स, व्हाट इज, व्हाट इज वुमेनोमिक्स, देन विल सी Why do we need womenomics? Why do we need womenomics? See, Japan में आया है, तो reforms by Japan. See, ये बहुत important है, India इससे सीख सकता है. Reforms by Japan to promote womenomics. This is also important. To promote womenomics. And Indian learning. What India can learn. What India can learn from womenomics. कि इंडिया क्या क्या सीख सकता है इससे, तो we'll see this one by one. So it's a very good topic. It's a very good topic. We'll see it like this and let's start. अच्छा topic है, अच्छे pre के भी questions, mains के, essay के, सारा concept यहाँ से आ सकता है. Like we will see this one by one. तो देखिए womenomics क्या है, as the name suggests, it is woman plus economics is equal to womenomics. Womenomics. तो बेसिकली ये क्या है, जापान के अंदर भी फीमेल डिस्क्रिमिनेशन बहुत बढ़ रही थी, तो जापान ने क्या माना है, देखो एक चीज तो फैक्ट है, तीन चीजें होती हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी. आप किसी भी चीज की बात कर लें
आई ऑलवेज से इकोनॉमी इज द मदर ऑफ एम्पायर. अगर आपको ग्रो करना है, की फैक्टर इज इकोनॉमी, पैसा. सी बाकी चीजें भी इंपॉर्टेंट है, पर एक बार जेब में जब पैसा आ जाता है ना, आप देखिए, तो आप बड़ी बड़ी चीजों को चैलेंज कर देते हो. आप अपनी डिस्क्रिमिनेशन को खुद चैलेंज करते हो. सी लेट्स से एक एससी जो लेट्स से ऑडी से उतर रहा है, डीसी है या बड़ी पोस्ट पे है, और लेट्स से एक ब्राह्मण अगर बोले कि अरे तुम तो एससी हो, हम तो तुम्हें देखना भी नहीं पसंद करते, देन दैट एससी माइट नॉट फेस एनी इशू. उसे ही वॉन्ट बी बॉदर कि वो क्या बोल रहा है. लेकिन अगर कोई गरीब होता है, सी पहले ही वो बेचारा पुअर है, उसे प्रॉब्लम हो रही है, और तब आप जाके उसके साथ अगर धर्म कास्ट के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन करते हो, वो ज़्यादा इम्पैक्ट करता है. तो आप देखिए, फीमेल्स एंड ऑल, एक बार उनकी जेब में पैसा आ गया ना, इकोनॉमी स्ट्रांग हो गई, वो अपने आप बाकी चैलेंजेस को सॉल्व कर लेंगे. सी लेट्स से इफ अ फीमेल हैज़ मनी और कोई हैरेसमेंट कर रहा है, वो डरेगी नहीं कंप्लेंट करने के लिए. इफ फीमेल हैज़ मनी, हस्बैंड अगर उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है, वो दो मिनट लगाएगी डाइवोर्स लेने के लिए. We are not saying that should be done, but she has that option. See, you should know, India ke andar urban areas mein divorce rates are increasing. Why divorce rates are increasing? The reason is, female aaj achhi job karti hai, to use ye nahi hai ki agar husband ne mere ko chhod diya ya maine husband ko chhod diya to main kya karungi. Uske paas bahut options hain life jeene ke. पहले ये नहीं था, इसीलिए आप देखिए डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस इंडिया में बढ़ते रहे. सो जापान ने एक मॉडल, लाइक जापान ने एक कॉन्सेप्ट बताया है, और कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई हम फीमेल की इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रमोट करने के लिए कुछ रिफॉर्म्स करेंगे, और वो जो भी रिफॉर्म्स होंगे जो फीमेल की इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रमोट कर रहे हैं, उसे वुमेनॉमिक्स कहेंगे, प्रमोटिंग वुमेन इन इकोनॉमिक्स. और उससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक पोजीशन उसकी सुधरेगी, पॉलिटिकल सुधरेगी और सोशल सुधरेगी. सो लेट्स राइट, सी वुमेनॉमिक्स, इट इज अ कॉन्सेप्ट ओरिजिनेटेड इन जापान विच रेफर्स टू प्रोमोटिंग Women participation in workforce and economy for overall growth and development. और देखो एक और चीज है, आप ध्यान से समझिए, खाली वुमेन की डेवलपमेंट नहीं होगी, देश की होगी. देखो जिस देश में फीमेल इक्वली पार्टिसिपेट नहीं करती, वहां आधी पॉपुलेशन को तो आपने डिस्क्रिमिनेट करके रखा है. अगर फीमेल एम्पावर्ड होगी, वो इकोनॉमी में भी पार्टिसिपेट करेगी, पॉलिसी में भी, पॉलिटी में भी पार्टिसिपेट करेगी. तो ये सी व्हाट इज दिस, लाइक इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस स्ट्रैटेजी, द स्ट्रैटेजी इज देयर आर थ्री थिंग्स, लाइक देयर इज इकोनॉमी, देयर इज सोसाइटी, एंड देयर इज पॉलिटी. So what they are doing is they are boosting economy for women so that ultimately society can improve, polity can improve, and economy ko to hum focus kar hi rahe hain. So this is the concept. Is this clear? What is womenomics? Kaise karenge wo hum dekhenge. हाँ एग्जैक्टली, बहुत सारी तो इसलिए नहीं लेती. सर नॉन कॉन्ट्रीब्यूशन विल टर्न देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, एग्जैक्टली, जो वो अभी बिल्कुल कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे वो कॉन्ट्रीब्यूट करने लगेंगे. क्या ये क्लियर है व्हाट इज वुमेनॉमिक्स? इज दिस क्लियर? यस. लेट्स टॉक अबाउट व्हाई डू वी नीड वुमेन. सी हम क्यों चाहते हैं कि वुमेन इकोनॉमिकली डेवलपमेंट हो. सी यू शुड नो, लाइक Womenomics has several advantages for a country such as economic growth. उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी क्योंकि इतनी सारी फीमेल्स काम करेंगी. इकोनॉमिक ग्रोथ, बूस्ट ग्लोबल रेपुटेशन.
से कितना अच्छा लगता है एक देश में सारे जेंडर के बिना कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, लोग काम कर रहे हैं. अच्छा, बूस्ट प्रिवेंट्स सोशल इविल्स. सी, फीमेल के साथ जो डाउरी हैरेसमेंट ये सब होता है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा क्योंकि फीमेल के पास पैसे होंगे, वो कंट्रीब्यूट कर पाएगी, है ना, और वो एक्सप्लॉयटेशन खुद नहीं सहेगी. सी, बेटर पॉलिसीज एंड सी सोसाइटल डेवलपमेंट as it promotes gender neutral and gender friendly culture. है ना. सी, उस एरिया में कोई ऐसा नहीं होगा कि अच्छा है सी लड़की क्यों पैदा हो गई, लड़का क्यों, ऐसी चीजें हट जाएंगी जब वुमेन डेवलप होगी. तो ये बहुत सी बहुत अच्छी चीज है जो जापान ने इस पे फोकस करने का सोचा. इट इज एक्चुअली गुड, इवन इंडिया शुड डू इट. और एक नया कॉन्सेप्ट आया है, जापान ने वुमेनॉमिक्स किया कैसे, वो कर कैसे रहा है, इंडिया उससे सीख सकता है. लेट्स सी हाउ इज इट इज हैपनिंग. क्या यहां तक क्लियर है? Yeah, it will break stereotypes. Very good point. Let's write this also. Break stereotypes. Stereotypes होता है जो गलत चीजें उनके बारे में पता होती हैं. Break stereotypes. है ना, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा ये तो. Very nice. Let's see Japan ने womenomics किया कैसे, क्योंकि इंडिया उससे सीख सकता है. कैसे उसने प्रमोट किया? सी, बहुत बढ़िया है ये. सी, तीन चीजें हैं, हम इसे आगे एक्सप्लेन करेंगे यहां पर. सो reforms by Japan to promote womenomics. Let's see this. See, teen reforms kare. Japan did three reforms, like reforms for womenomics. Ye main isliye likh raha hu taki yahan pe aapko clear ho jaye. Number one, gender neutral. जेंडर न्यूट्रल पेटर्निटी लीव. जेंडर न्यूट्रल पेटर्निटी लीव. सी, ये क्या होता है, ध्यान से देखिए. सी, जब लेट्स से अ कपल इज हैविंग अ चाइल्ड, तो मेटर्निटी लीव और पेटर्निटी लीव होती है ना, कि बच्चे का ध्यान रखने के लिए. इंडिया ने भी, आप देखिए इंडिया के अंदर क्या है आज, अगर आप देखें. सी, इफ यू टॉक अबाउट इंडिया के अंदर, लाइक देर इज maternity, this is for India, there is Maternity Benefits Act 1961 जो 2017 में amend हुआ, और इसके अंदर woman को पहले हम 12 weeks देते थे, now we give 26 weeks leave. तो आप job से 26 week की leave ले सकते हैं और आपकी सैलरी आपको मिलती रहेगी. इट इज लाइक दिस. पर मैंने कहा था इंडिया में लोग बड़े कलाकार हैं, वो क्या करते हैं कि फीमेल को वो करते हैं, क्या कहते हैं, जैसे ही उसकी शादी होने वाली होती है, बच्चा होने वाला होता है, व्हाट दे डू इज वो उसे जॉब से ही निकाल देता है कि भाई जब दोबारा ज्वाइन करोगे तब. क्योंकि कोई भी प्राइवेट बिजनेसमैन ये करना नहीं चाहता. गवर्नमेंट तो फॉलो करती है, पर प्राइवेट बिजनेसमैन फीमेल को नौकरी पे मैरिड. सी, बल्कि इंडिया में ये प्रॉब्लम बन गई, मैरिड वुमेन को कोई जॉब पे नहीं रखता क्योंकि उसे लगता है कि यार इतने टाइम हमें उन्हें लीव देनी पड़ जाएगी और सैलरी भी देनी पड़ेगी ये. और अच्छा, एक ये तो है फीमेल के लिए. अच्छा, कमाल की बात है, सेकंड, इंडिया में फादर्स के लिए पेटर्निटी लीव. सी, विराट कोहली आस्क्ड फॉर पेटर्निटी लीव तो इंडिया में हंगामा हो गया था कि मेल्स थोड़ी ना लीव लेते. आप कमाल की बात देखिए, इस कानून में लिखा है कि फीमेल को छुट्टी लेनी है अगर ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड. सी, वट अबाउट मेल, क्या वो बाप नहीं है? उसे भी तो छुट्टियां लेनी चाहिए, उसे भी तो काम करना चाहिए. यस, मेल मदर्स का रोल बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है कंपेयर टू फादर, लेकिन फादर शुड ऑल्सो बी देयर टू हेल्प. तो इंडिया में अगर आप कानून देखें, फादर्स के लिए कोई लीव नहीं थी कि भाई अकेला, अगेन डुअल बर्डन डाल रहा है लड़की पे, लेकिन एक प्रोविजन थी सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल. Central Civil Services Rules, like 1966, जिसमें 1999 में amend करके there is
प्रोविजन फॉर, सी हम कंपैरिजन इसलिए कर रहे हैं इंडिया की लर्निंग भी हो जाएगी, प्रोविजन फॉर 15 डे लीव फॉर फादर्स। मेल्स को इंडिया में सिर्फ 15 दिन की छुट्टी मिलती है चाइल्ड बर्थ के दौरान, और फीमेल्स को 26 वीक्स की। अच्छा, ये इनमें अपनी प्रॉब्लम्स है, ये हम कभी अलग से डिस्कस करेंगे, बट यू शुड नो दोनों को ध्यान रखना है। जापान ने इसके लिए क्या किया कि फीमेल जॉब्स के अंदर प्रॉब्लम क्या होती है कि उसे मैटरनिटी लीव लेनी होती है। जापान ने क्या किया, आप देखिए कितना बढ़िया चीज है। सी जापान, सो जापान प्रोवाइड्स 1 year of leave to both mothers and fathers. See, यहां पे 15 दिन की है, वहां 1 साल की। बल्कि फादर्स अपनी लीव लेते नहीं थे बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजन, तो उसने क्या किया इन 2022 वुमेनॉमिक्स प्रमोट करने के लिए, इन 2020 न्यू जापान मेड इट मैंडेटरी फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशंस टू डिस्क्लोज देयर डेटा रिगार्डिंग पेटर्निटी लीव। अब हर ऑर्गेनाइजेशन को बताना है कि उनके मेल्स एम्प्लॉयज ने कितनी छुट्टियां ली और कब कब ली, ताकि उन पे प्रेशर रहे कि ऐसा ना हो कि खाली फीमेल्स छुट्टियां ले रही हैं, मेल्स नहीं ले रहे। दोनों मिल के बच्चे का ध्यान रखें, एक को ना रखना पड़े। तो आप देखिए, वंडरफुल रिफॉर्म। तो इसके अंदर बेसिकली क्या हुआ, सी आपको ये समझ आ रहा है पहला पॉइंट, अगर ऐसी ही कुछ चीज इंडिया में हो जाती है तो अकेली फीमेल को बर्डन नहीं सहना पड़ेगा मैनेजमेंट का, या जॉब छोड़नी पड़ेगी, दोनों को भी। हाँ जी, पेटर्निटी लीव इन जापान, क्या ये क्लियर है? सी बल्कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ, इट इज लाइक दिस। इंडिया के अंदर 75% मेल एम्प्लॉयज फाइंड पेटर्निटी लीव इनसफिशिएंट। 15 दिन की तो लीव है, क्या इनसफिशिएंटी होगी? तो फादर्स को भी वो लीव मिलनी चाहिए, दैट इज व्हाट दिस है, राइट? क्योंकि दोनों मिलके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो इट इज लाइक दैट। क्या ये समझ आ गया फर्स्ट पॉइंट? इज द फर्स्ट पॉइंट क्लियर? हाँ, दैट इज देयर कि प्रोलॉन्ग वो वाला है। यस, जल्दी जल्दी। यस, लेट्स सी सेकंड। ये प्री में पूछा जा सकता है, सेकंड वाला देखो। सेकंड, इरुबोशी सर्टिफिकेशन। सी, इंडिया भी ऐसा कुछ कर सकता है, इरुबोशी सर्टिफिकेशन। सी, ये क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सी, जापान पास्ट, ध्यान से देखिए, जापान पास्ट एडवांसमेंट ऑफ वुमेन, लाइक एडवांसमेंट, सॉरी, प्रमोशन ऑफ वुमेन्स पार्टिसिपेशन, सॉरी, पूरा लॉ का नाम है, प्रमोशन ऑफ वुमेन पार्टिसिपेशन, वुमेन। सी, ये सीधा ही क्वेश्चन आ जाएगा, इरुबोशी सर्टिफिकेशन किससे रिलेटेड है? वुमेन पार्टिसिपेशन एंड एडवांसमेंट इन वर्क, एडवांसमेंट ऑफ वुमेन इन वर्कफोर्स एक्ट, इन वर्कफोर्स। सी, एक्ट, आप कानूनी समझ रहे हैं क्या है? इसके अंदर इट प्रोवाइडेड फॉर A five star certification called Irubushi, certification. See, ये समझिए क्या है, हर ऑर्गेनाइजेशन को
एक सर्टिफिकेट लेना है उनसे जो 1 to 5 रेटिंग स्केल में उन्हें रेट करेगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कितनी ज्यादा वुमेन वर्कफोर्स को प्रमोट करने के लिए इक्विप्ड है और कितनी जेंडर फ्रेंडली है। मतलब जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लीव्स अच्छे से दी जाती है, फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स दिए जाते हैं, फीमेल वर्कफोर्स को प्रमोट करने के लिए काम किया जाता है, उसे हायर रेटिंग मिलेगी, 5 रेटिंग 4 रेटिंग। और जो ऑर्गेनाइजेशंस अभी काम नहीं कर रहे हैं, जहां फीमेल एम्प्लॉयज कम है, जो है उनको कम, इससे क्या होगा, एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज लीगली बाउंड टू प्रमोट वुमेन इन देयर ऑर्गेनाइजेशन। सी, क्या ये समझ आ रहा है आपको? अ वंडरफुल थिंग जो इंडिया भी कर सकता है। सी, इट्स अ वंडरफुल थिंग जो इंडिया कर सकता है, ये मैं आगे भी लिखवा रहा हूं। तो व्हाट इज इरोवेशी सर्टिफिकेशन? इट इज अ सर्टिफिकेशन विच प्रोवाइड्स कि आपको लेट्स से वुमेन फ्रेंडली चीजें करनी है, अ ब्रिलियंट थिंग। तो आप देखिए इसके अंदर क्या है, इरोवेशी सर्टिफिकेशन, एवरी ऑर्गेनाइजेशन विल बी अवॉर्डेड सर्टिफिकेशन विल बी awarded certification based on their efforts to promote women workforce, कि उन्होंने क्या क्या किया women workforce को करने के लिए, brilliant। और तीसरा है इन्वेस्टमेंट, पैसे लगाने पड़ेंगे, इन्वेस्टमेंट्स इन कोर इंफ्रास्ट्रक्चर। सी, ये भी समझा देता है, जापान्स गवर्नमेंट इन्वेस्टेड हेविली इन इंफ्रास्ट्रक्चर which promotes women friendly services, जैसे in women hostels, subsidies, transportation to women, and सबसे important, and जो सबसे important है इसके अंदर, that is crutches जो working mothers हैं उनके लिए। see, इससे क्या होगा, government कह रही है हम women hostels देंगे कम price पे, हम tax benefits देंगे females को, हम क्या कहते हैं transportation free कर देंगे। सी, आज एक फीमेल की क्या प्रॉब्लम होती है, उसको आप देखिए, वो जब जॉब पे जाती है उसे वो ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिलता जो सिक्योरिटी के मामले में सही हो, है ना, उसको लेट्स से क्रेचेस नहीं मिलते। व्हाट इज क्रेचेस? जहां वो अपने बच्चों को, सी, काम कर सकती हैं और साथ में बच्चों को वहां पर रख सकती हैं, क्रेचेस। तो आप देखिए इन सारी इन्वेस्टमेंट से बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस और फीमेल्स काम करने लगी हैं, सो दैट हैज गॉन टू नेक्स्ट लेवल, इट इज ब्रिलियंट। आई थिंक ब्रिलियंट रिफॉर्म्स हैं ये जो उसने करे हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग द 3 रिफॉर्म्स जापान डिड टू प्रमोट वुमेनोमिक्स? सबसे पहले तो जेंडर न्यूट्रल पेटर्निटी लीव, मेल्स को भी 1 साल तक की आप देखिए पेटर्निटी लीव दे रहे हैं, फीमेल्स को भी 1 साल की दे रहे हैं, और हर ऑर्गेनाइजेशन को डिस्क्लोज करना है कि मेल काउंटर पार्ट ने कितनी लीव ली, ताकि उन पे प्रेशर हो और बच्चे का ध्यान दोनों मिलजुल के रखें। सी, उसके बाद एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम जिसमें हर ऑर्गेनाइजेशन को सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे कि आप कितने ज्यादा वुमेन फ्रेंडली हो, कितनी ज्यादा आप सर्विसेज, सिक्योरिटी और क्या क्या करते हो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में फीमेल एम्प्लॉयज ज्यादा बढ़ें। और उसके बाद गवर्नमेंट ने भी बहुत ज्यादा पैसा लगाया है ताकि फीमेल को कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम ना हो, अगर कोई वर्किंग मदर है तो वो अपने बच्चों को वर्किंग आवर्स के दौरान क्रेच में छोड़ सकती है जहां पर उनका ध्यान रखा जा सकता है, उसे जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सी, अगर क्रेचेज नहीं है तो फीमेल को जॉब छोड़नी पड़ेगी काम करने के लिए, बच्चे का वरना ध्यान कौन रखेगा। तो क्रेचेज लाए हैं, ट्रांसपोर्टेशन लाए हैं, वुमेन हॉस्टल्स लाए हैं,
एंड ब्रिलियंट. और आप देखिए जापान के अंदर फीमेल पार्टिसिपेशन इन वर्क फोर्स इज इंक्रीजिंग 70% के अराउंड हो चुका है और हमारे यहाँ कितना है 37%. हमारे यहाँ आज भी फीमेल वर्कफोर्स कितनी पार्टिसिपेशन है 37% जो मैं दिखा रहा था. लाइक इट इज लाइक ओनली 37%. इफ यू सी ग्लोबल एवरेज कितना है, ग्लोबल एवरेज 47%. तो इंडिया जो कि सी हम आई थिंक एक लौते देश हैं जो भारत को माँ बोलते हैं. सी इंडिया के अंदर कहा जाता है देर इज देवी दासी डायकॉटमी. ये स्टैटिक के अंदर देखेंगे. डायकॉटमी का मतलब होता है डिफरेंसेस. एक तरफ हम फीमेल्स को गॉडेसेस देवी की तरह वर्शिप करते हैं, दुर्गा माँ भारत माँ वो, लेकिन एक तरफ उनके साथ डिस्क्रिमिनेट करके उनके साथ दासी की तरह ट्रीटमेंट होती है. डाउरी दे दो, फीमेल इन्फेंटिसाइड, उसके बाद आप देखिए हैरेसमेंट हो जाता है, डोमेस्टिक वायलेंस. तो इंडिया को ये हटाना पड़ेगा. खाली लिप सर्विस, बोलने से कुछ नहीं होगा. आपको वो रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे और गवर्नमेंट को एक्टिव होना पड़ेगा. देखो लोगों को भी अपना एटीट्यूड बदलना पड़ेगा बट गवर्नमेंट को एक्टिव होना पड़ेगा. जैसे जापान ने करके दिखाया है, जापान ने ढंग के रिफॉर्म्स, इफेक्टिव रिफॉर्म्स करे हैं जिससे फीमेल का इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन बढ़ा है. इंडिया कैन ऑल्सो लर्न एंड इम्प्लीमेंट सच पॉलिसीज. आर यू क्लियर विद दिस? या वी शुड इम्प्लीमेंट दिस इन इंडिया, राइट? तो ये वाली चीज है. हमने रिफॉर्म्स देखे लाइक उसके अंदर जेंडर न्यूट्रल पैटर्न. सी इंडिया में तो 15 दिन की लीव है, आप बताइए, पैटर्निटी लीव एंड देन सेल समेट अप ऑल्सो सर्टिफिकेशन एंड इन्वेस्टमेंट इन कोर सर्विसेस. तो आप देखिए इंडिया इनसे सीख सकता है. इंडिया कैन इंप्लीमेंट दिस. सी इंडिया कैन ट्राई एंड सी हमें ऑब्वियसली एटीट्यूडनल चेंज लाना पड़ेगा. सी इंडिया रिलेटेड चीज हम अलग से भी देखेंगे. हमें अच्छा, और जापान के अंदर आप देखिए लाइक फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 70% हो चुका है इन सबके बाद. मतलब 70% फीमेल्स जॉब कर रही हैं. हमारे यहाँ अभी लाइक लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कितना है, इट इज़ लाइक FY 2023 में इट इज़ 37%. इट इज़ लेस देन ग्लोबल, इवन लेस देन ग्लोबल एवरेज, लेस देन ग्लोबल एवरेज. तो आप देखिए एटीट्यूडनल चेंज लाना पड़ेगा और उसके साथ साथ इंडिया कैन अडॉप्ट रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स लाइक वुमेनोमिक्स. वुमेनोमिक्स हमारे यहाँ भी नंबर्स ठीक हो जाएंगे. आपने देखा ये लीव्स हमारे यहाँ बहुत कम हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जेंडर फ्रेंडली पॉलिसीज नहीं है. और अभी तो ट्रांसजेंडर्स की बात ही नहीं की हमने. मतलब इंडिया स्पेसिफिक इश्यूज हम डिटेल में और भी देखेंगे बट जस्ट टेल मी आर यू क्लियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइक दिस. आर यू क्लियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ वुमेनोमिक्स? क्यों आया, क्या फायदे हैं, जापान ने कैसे किया और इंडिया कैसे सीख सकता है? सेम चीज़ें इंडिया इंप्लीमेंट कर सकता है. क्रचेज बना सकता है ज़्यादा, हॉस्टल्स बना सकता है, मेटर्निटी लीव कर सकता है, सर्टिफिकेशन. सी आपने 3 रिफॉर्म टाइप भी कर लिए, इंडिया बहुत अच्छा कर जाएगा. तो हमें वो करना चाहिए. तो लेट मी क्विकली जस्ट समिट अप. इट्स अ वेरी गुड टॉपिक जो आज हमने कंप्लीट किया है. सो लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ वुमेनोमिक्स. तो सबसे पहले वुमेनोमिक्स है क्या? वुमेनोमिक्स इज कॉम्बिनेशन ऑफ वुमेन प्लस इकोनॉमिक्स एज द नेम सजेस्ट. ये जापान ने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है जिसके अंदर फीमेल्स का इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन इंक्रीज किया जाएगा कि वो ज़्यादा जॉब करें, ज़्यादा इकोनॉमी के अंदर पार्टिसिपेट करें. और अजम्पशन ये है कि अगर फीमेल इकोनॉमिक्स में एक्टिव होंगी और लेट्स से एम्पावर्ड होंगी तो ऑटोमेटिकली सोसाइटल डेवलपमेंट और पॉलिटिकल डेवलपमेंट उनकी हो जाएगी और पूरे देश की हो जाएगी. और वुमेनोमिक्स के फायदे क्या हैं, क्यों करना चाहिए हमें वुमेनोमिक्स? क्योंकि ये एक तो देश की ग्रोथ लाता है, आपकी रेपुटेशन बूस्ट करता है कि आप देखिए मेल्स और फीमेल्स में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सब मिलके काम कर रहे हैं. आपके यहाँ पर सोशल वैल्यूज प्रमोट करता है, जेंडर न्यूट्रल वैल्यूज प्रमोट करता है. फीमेल्स की हैरेसमेंट
इससे बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। और साथ में आप देखिए, आप पॉलिसीज भी ऐसी बनाते हैं, पॉलिसीज भी ऐसे बनाते हैं जो सबको कैटर करे, खाली डोमिनेंट सेक्शन को नहीं, जो कि ज़्यादातर मेल्स होते हैं पेट्रियार्कल देश में। और ये बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स ब्रेक करता है। जैसे आप देखिए, मेल्स का मजाक नहीं उड़ाया जाता पर फीमेल्स को स्टॉक किया जाता है, मजाक उड़ाया जाता है, वो सारी चीज़ें इससे हट जाएंगी। और जापान ने करके दिखाया है और वो अभी भी इस प्रोसेस में है। कैसे कर रहा है? दैट इज़ उसने वुमेनॉमिक्स के जो रिफॉर्म्स लिए, एक तो जेंडर न्यूट्रल पेटर्निटी लीव, जहां इंडिया में 15 दिन की मेल्स को लीव मिल रही है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, वहां एक एक साल की लीव दे रहे हैं और मैंडेटरली डिस्क्लोज करने को कह रहे हैं। उसके बाद सर्टिफिकेशन दे रहे हैं, इरोबोशी सर्टिफिकेशन, कि हर ऑर्गेनाइजेशन कितनी ज़्यादा फीमेल फ्रेंडली है, कितनी ज़्यादा फीमेल फ्रेंडली पॉलिसीज अवेयरनेस प्रमोट करती है, उसके बेसिस पे सर्टिफिकेशन देंगे। और गवर्नमेंट ने भी उन फैसिलिटीज़ में इन्वेस्ट किया है ताकि फीमेल को काम करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, जैसे क्रेच में कर दिया, हॉस्टल्स में कर दिया, ट्रांसपोर्टेशन में, और रिजल्ट आए हैं। 70% के अराउंड फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन हुआ है। इंडिया जो, जिसके हमने चैलेंजेस अलग से भी देखे, इंडिया में भी बहुत ज़्यादा पेट्रियार्कल नेचर होने के कारण फीमेल्स के साथ प्रॉब्लम है। हमने डिस्कस किया, उन्हें बड़ी जॉब्स नहीं दी जाती, उन्हें घर का ध्यान भी रखने को कहा जाता है, उनको स्टॉक किया जाता है, हैरेसमेंट होता है, वॉयलेंस होता है। तो इंडिया भी अगर वुमेनॉमिक्स टाइप रिफॉर्म अडॉप्ट करता है तो हमारी भी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। वी कैन लर्न फ्रॉम जापान एंड देन इम्प्लीमेंट इन इंडिया एंड सी, अच्छी चीज़ें सीखने में कोई शर्म थोड़ी ना है, और बहुत अच्छे रिफॉर्म्स हैं। एंड सी, दैट वाज द आर्टिकल इफ यू सी लाइक, ये वाला मैं आपको दे दूंगा, बट आई थिंक वन मिनट, इट्स नॉट हियर, ओके। तो इट इज लाइक दिस, कोई डाउट है तो बताइए। सी, ये हमने चैलेंजेस वगैरह भी देखे इंडिया के अंदर जो है, ये भी काफी हद तक उससे सॉल्व हो जाएंगे, और ये हमने डिटेल में रिफॉर्म्स भी देखे हैं। कोई प्रॉब्लम है? इज दिस क्लियर टू ऑल? काफ़ी अच्छा कंटेंट है ये, कई जगह यूज़ कर सकते हैं। हाँ, सर्टिफिकेट्स वगैरह हम कर सकते हैं। सही, हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए करने के लिए। सी, हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट के रिफॉर्म्स भी कभी डिटेल में देखेंगे, बट दिस इज़ हाउ द टॉपिक इज। सर, एनी कमेटीज़, लेजिस्लेशन? यस, सी, इंडियन स्पेसिफिक हम अलग करेंगे। इंडिया के लॉज हैं, इंडिया ने अभी रिसेंटली वुमेन रिजर्वेशन बिल पास किया, तो इंडिया स्पेसिफिक दूसरे टॉपिक में। सी, ये जो न्यूज़ में था ये वुमेनॉमिक्स के लिए था, तो उसे हमने इंडिया से लिंक कर दिया। इंडिया स्पेसिफिक वुमेन इश्यूज जो हैं उसके लिए हम सेपरेट टॉपिक कोई पिक करेंगे। ये आपको बस वो वैल्यू ऐड करवा रहा है कि जब आप इंडिया पे कोई आर्टिकल लिखो इंडियन वुमेन पे, तो आप इसको भी एक ध्यान में रख सकते हो एज अ सॉल्यूशन। इट्स अ गुड थिंग दैट इज देयर, राइट? वो वाली चीज़ है। यस यस, चलिए। तो राइट, सो इट इज़ लाइक दिस, एंड ठीक है। तो देन अच्छा, समबडी आस्क्ड कि कॉलेज के साथ प्रेपरेशन, देखो कॉलेज के साथ 100% प्रिपरेशन हो जाती है। कॉलेज आपका 4 o'clock 5 o'clock तक होगा, और हर लेक्चर भी नहीं होता है, मतलब जो टाइमिंग्स होते हैं। जब स्कूल के साथ मैनेज हो सकता है, कॉलेज के साथ, सी, लोग जॉब के साथ करते हैं। रिसेंटली मनु क्रैक्ड, वो भी जॉब करती थी, तो लोग तो जॉब के साथ क्रैक करते हैं, कॉलेज के साथ तो बहुत आसानी से आप पेपर क्रैक कर लेंगे, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। इट्स जस्ट दैट कॉलेज आवर्स के बाद जब आपको 3 से 4 घंटे निकालने हैं, वो इजीली निकाल लेंगे आप। और वैसे भी जब पेपर्स आते हैं आप तभी पढ़ते हैं, तो जब आपके पास बाकी चीज़ों के लिए टाइम है, आपको प्रायोरिटी सेट करनी है। कॉलेज के साथ 100% प्रिपेयर हो सकता है, बस जब आपके एग्जाम्स आएँ तब आप प्रेपरेशन हॉल्ट कर दें कुछ टाइम के लिए, वो 1 महीना आप बाद में कवर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पेपर के टाइम आप UPSC पढ़ रहे हो, नो, व्हेन देयर आर एग्जाम्स इन द कॉलेज यू कैन लाइक स्टॉप द प्रिपरेशन और उस पर फोकस करिए। लेकिन आप हर दिन तो 3 से 4 घंटे निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीबडी डज इट। हाँ, तो इट इज लाइक दिस, हाँ, पीपल डू इट। चलिए ठीक है, तो आई विल सी यू टुमारो सेम टाइम एंड विल सी दिस एंड राइट। आपका टेस्ट इस सैटरडे हो जाएगा, क्योंकि पिछले वीक भी नहीं हुआ टेस्ट, विल हैव टेस्ट ऑन सैटरडे। कोई डाउट हो आप मेरे से कल पूछ लेना किसी भी पुराने टॉपिक में, और मैं भी आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से लाइक वो कनेक्ट नहीं हुआ, वो क्वेश्चंस नहीं हुए, क्योंकि कभी रिजल्ट आ गया, कभी कुछ हो गया। सो आप देखिए जस्ट, और देखो ये अभी जैसे रिजल्ट्स वगैरह आए हैं, डू नॉट गेट स्वेड बाय दिस। ठीक है, रिजल्ट आ गए बच्चों ने, बस इतना देखो कि वो भी नॉर्मल इंसान है, वो कोई वो आसमान से उतर के स्वर्ग से या कहीं और से नहीं आए हैं विद सुपर ह्यूमन कैपेबिलिटीज। वो भी रो ही रहे थे पेपर से पहले, वो भी टेंशन में थे, उन्हें भी नहीं पता था पेपर होगा कि नहीं, और हो गया।
तो आपको बस अपने छोटे छोटे टारगेट्स पूरे करते रहो, ज्यादा इन चीजों पे ध्यान ना दो कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, यह वो है, सब वही है जैसे आप हो वैसे ही सबने तैयारी करी है। जस्ट कीप ऑन डूइंग क्रैक द पेपर, राइट, बस कंसिस्टेंटली रहो इस पेपर में, उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, राइट। चले, थैंक यू, आई विल सी यू टुमारो। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड टेस्ट आपका होगा सैटरडे को। कोई डाउट्स होंगे आप मेरे से कल पूछ लेना, कल हम छोटा सा कोई और भी टॉपिक देखेंगे। थैंक यू, सी यू टुमारो।